thing that every person likes to do. Some are successful, some are not. It gives you recognition. For this speech, I would like to call Ayaz Mushtaq. Please come on the stage. Commander Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शुरू करती हूँ उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो बड़ा मेहरबान और तमाम जहानों को पालने वाला है। दुरूद सलाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सदर अली वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो मौजू है उस्ताद की अजमत। सदर अली वकार, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहूंगी। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सदर अली वकार, इंसान दुनिया में कभी भी तनहा वक्त नहीं गुजारता, वो रिश्ते नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है। क्योंकि सदर अली वकार, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद है। सदर अली वकार, उस्ताद तो वो हस्ती है जो हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह दिखाती है। सदर अली वकार, उस्ताद तो वो है जो हमें दुनिया में जीना मरना सहना सिखाता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो लोहे को दबाकर कुंदन बनाता है, पत्थर तराश कर हीरा बनाता है, बंजर जमीन को सींच कर खलियान बनाता है। सदर अली वकार, चिनाचे इस तरह से उस्ताद वाजिब उल मुहतरम शख्सियत है। बरसते है ये सावन की तरह जमीनों पर, बरसते है ये सावन की तरह जमीनों पर, इन्हीं की खोज से सब नामवर ईजाद होते हैं। सदर अली वकार, उस्ताद मामार भी है, लोहार भी है और किसान भी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक जमाना था जब तालिबे इल्म हुसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफर पैदल तय करते थे, मुल्क मुल्क घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने जाके मन को सैराब करते थे, उस्ताद की डांट खाते थे, उस्ताद की सजा झेलते थे, तब जाकर कहीं नगीना बनते थे। मगर अफसोस सरियारा अफसोस, इस दौर के तालिबे इल्म बेअदब और बदतमीज हो गए हैं। जैसा कि शायर ने क्या खूब अर्ज किया है, अदब पे लख करीना है मोहब्बत के करीनों का, अदब पे लख करीना है मोहब्बत के करीनों का, अदब तारीख का जौहर है जेवर है जमाने का। सदर अली वकार, इस्लाम ने चाहा मुसलमानों को हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया गया है, वही इस्लाम की नजर में उस्ताद भी मुअज्जज मुकाम रखता है ताकि उस्ताद की अजमत से इल्म का विकास बढ़ सके। सदर अली वकार, उस्ताद की अहमियत इल्म की बारिश किसी है जो बंजर जमीन को भी सरसब्ज शादाब बना देती है, बारिश के फेज से सैराब हो जाती है। सदर अली वकार, दुनिया में इल्म की कदर उसी वक्त मुमकिन है जब तक उस्ताद को माशरे में इज्जत का मुकाम हासिल हो, और जो तालिबे इल्म उस्ताद की इज्जत और एहतराम करना जानते हैं वो दुनिया में हमेशा कामयाब और कामरा रहते हैं, और दुनिया में वही इज्जत और मुकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद को दी। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब अर्ज किया है, वही शागिर्द